खबर दौसा से है, जहां निजी मैरिज गार्डन में जिला टेंट डीलर्स समिति द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में जिले के टेंट, हलवाई, फ्लावर, कैटरिंग, लाइट, डीजे, साउंड संचालकों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि मैरिज गार्डन में होने वाले शादी समारोह व पार्टियों में अब रात के 12 बजे बाद कोई काम नहीं किया जाएगा। जिला मैरिज गार्डन के जिला अध्यक्ष सुनील बडेरा ने बताया कि शादी समारोह में मैरिज गार्डन में 12 बजे बाद संपूर्ण कार्य लगभग पूरा हो जाता है, लेकिन 20 से 30 लोगों के लिए 2-3 घंटे अतिरिक्त लग जाते हैं, जिससे मैरिज गार्डन में काम करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब मैरिज गार्डन में रात 12 बजे बाद मैरिज गार्डन में काम करने वाले हलवाई, टेंट, फ्लावर, कैटरिंग, लाइट, डीजे, साउंड वाले अब नहीं रुकेंगे। इस अवसर पर जिला टेंट डीलर समिति के जिला अध्यक्ष एस के अग्रवाल ने कहा कि संगठन शक्ति होती है, सभी को मिलकर काम करना चाहिए। दौसा से विष्णु आशीर्वाद की रिपोर्ट। आज दौसा जिले के टेंट, हलवाई, कैटरिंग, फ्लावर, डीजे, जो मैरिज गार्डन से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उनका सबका एक सम्मेलन हुआ है। उसमें सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है कि टेंट, हलवाई, कैटरिंग वाले रात को 2-2, 3-3 बज जाते हैं। 90% लोगों का 11 बजे तक कार्यक्रम खत्म हो जाता है, सिर्फ 10-50 आदमियों के चक्कर में वो कार्यक्रम 2 बजे तक चलता है। तो हम सब लोगों ने ये सामूहिक निर्णय लिया है कि रात को 12 बजे बाद कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, सिर्फ फेरे के अलावा। कोरोना के पश्चात क्या है, टेंट व्यवसाय सबसे ज़्यादा शिथिल हुआ था, तो आज जिला अध्यक्ष के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं सारे दौसा ज़िले के टेंट, लाइट, फ्लावर, डीजे, लाइट सबको एकत्रित करके उनके कर्तव्यों के प्रति सुनिश्चित करूं और उन्हें ये बताऊं कि अपने व्यापार में क्या क्या खामियां हैं, इनको कैसे दूर करें और इससे आप लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम, सब्सक्राइब करें न्यूज 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।